हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल सीटी सीकिंग। सो आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर 5 to 7 days, हियर इज एन अनदर वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू। सो नाउ यू हैव ओनली 3 months, एम आई राइट? नाउ टूडे इज फेब्रुअरी 14 एंड योर एग्जामिनेशन इज गोना हेल्ड फ्रॉम May 15। या so overall we have only 3 months, less than 3 months. After February 15 it could be 2 months and 28 days, so it's less than 3 months. तुम्हान पाखे भी 3 मास भी कम समय अच्छी। सो 3 months भितर केमी कम प्रिपेरेसन कर सो दैट एक्जामेसन आम बेटर रेजल्ट हम एंड जी एक्सपेक्टेसन थी तुम्हारे मच मोर बेटर हम से भिडटी कम्प्लीट हो भिडटी मुझे 15 to 20 minutes लॉन्ग हम वीडियो टाइम आम सियोर बिकज मु प्रीवियस वीडियो 7 to 8 minutes 10 minutes ओवरऑल सारे ट्राए कर इनफॉर्मेटिव हो पारे बिकज लेस टाइम किसी कम्प्लीट करना। ओके गोटे यदि पर्टिकुलर गोटे भी जेको स्पेसिफिक टॉपिक को ना ताकू भी 15 to 20 minutes लगे। सो वीडियो की 15 to 20 minutes हबार मु एक्सपेक्टेशन अच्छे हो भी पारे। सो एन जाए देखो एंड जब तुम गोटे यही गोटे वीडियो भी एन जाए देखुन देन मु किसी तुम एक्सपेक्टेसन किसी रही है जे मैंने तुम एग्जामिनेशन भल स्कोर कर मुझे एक्सपेक्ट करपर तुमको आइडिया सब दौर से अनुसार तुम कर एक्सपेक्टेसन रही। ओके एंड आई एम डैम श्योर इफ यू कम्प्लीट दिस वीडियो देन यू कैन इजिली स्कोर ह्वाट एवर योर टार्गेट इज विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन और एनी डिस्ट्रैक्शन। ओके वीडियो की एन जाए देख ट्राए कर जब एने फ्री ना जो फ्री होते देख एंड जो तुम पेरेन्ट्स की गार्डियन मानक देखु देने के आहरी भी बेटर रहा तुम मानी बिकज से भी तुमको हेल्प करेंगे। ओके गट व्हाट आई एम सेइंग। ओके सो लेट्स बिगिन 2 minutes है स्टार्ट करवा। सो आम पाखे बर्तमान रहा 3 months, जो मैंने 4 months स्ट्रैटेजी भिडियो देखी आहरी बेटर कारण पूर्व प्रिपेयर ही आसुच। सो 3 months टाइम आम पाखे रहा 3 months टाइम केमी आम स्को कम्प्लीट करवा सिलेबस एग्जाम प्रिपेयर होगा सो दैट आम एग्जाम जहाँ भी क्वेश्चन आस अबजर्व कर। ओके तो गोटे मिथ था स्टूडेंट मान भितर जे एग्जाम पेपर में आमको सब करेक्ट आंसर लिखा रहा सो दैट आमको बेटर रिजल्ट हो भल मार्क एग्जामिनर दब से ट्रु नुह एग्जाम पेपर में जब आम सपोज मुझे एग्जाम्पल नौ ML पेपर कथा ML जेकोसी पेपर में 32 pages रोटे बुकलेट तुमको मिले मैंने गोटे खाता टाइप रे 16 ईच एंड एव्री कर मैंने बोथ साइड कले 32 फल और लास्ट को 4 pages ग्राफ दिया हुए से ग्राफ्टा तुम्हें रफ मैंने ग्राफ गोटे साइड गोटे पेज प्लेन से कौन रफ करने तुमको दिखाई थाए। ओके ये आइडिया का समाधान थी मुझे रोलीन पेपर गार पका पेपर में तुमको लिखार अच्छे ये आइडिया समाधान थी। ओके सो कौन कर 32 फल जेकोसी तुम एग्जाम दि आईदर तुम लैंग्वेज उपर दि और तुम फिजिक्स दि कि अगर जेको सब्जेक्ट दि तुमको 32 pages रु मिनिमम 20+ pages लिखार अच्छे फुल कर तुम आंसर सी 20 कम पेज रे सरी जाए देन एग्जामिनर डाउट कर कौन डाउट कर जो पेपर जो पिलाटे आटेड कर सब लेखिनी सो से कौन कर तुम सागे सागे मार्क काट। सो एग्जामिनर फास्ट ऑफ ऑल कौन देखे पेपर केते फुल मैंने केते पेज पिला का लिखी 20+ pages लिखिया दरकार लैंग्वेज पेपर पर 25 जाए टारगेट रखा आउ बेसी स्पेस देकि लिखले एग्जामिनर तुम उपर मैंने इंप्रेसनटा खराब आस बेसी स्पेस मैंने दीटा वार्ड मझे एति गोटे सरी दी आंगुल स्पेस रहा दरकार। ओके दुटा वार्ड भितर गोटे आंगुल दी आंगुल स्पेस रहा दरकार जब बेसी स्पेस रहा तेना एग्जामिनर तुम उपर डाउट कर गट इट देन जा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हूँ पेन आमर ब्लाक पेन यूज करार अच्छे एल्कस अल्फा पेन समझे जान थो देन पेपर क्वालिटी बहुत ही लो क्वालिटी आसो ए पेपर का बहुत लो क्वालिटी आसो सो तुमको बेसी हार्ड जो मैंने प्रेस करके लिखते मुझे तो प्रेस कर लिखे सो जो मैंने प्रेस कर लिखुन स्लो लिखा ट्राए कर स्पीड हाथ स्पीड दरकार हैंग स्पीड कर ट्राए कर बिकज 3 hours बहुत बड़ टाइम तुम 10th आम सब 2 hours एग्जाम दे सो तुमने भावु थोजे 3 hours आम इजिली पेपर कम्प्लीट करदे पार बट नॉट लाइक दैट
पेपर बहुत टाइम नहीं जीव 3 आवर एनफ नुह पेपर कंप्लीट पे तुमको मिनिमम 3.5 आवर दरकार 3 घंटा आउ 30 मिनट एक्स्ट्रा चेक पे सो 3 घंटा टाइम अच्छे आमको 2 to 2.10 मैंने 2 घंटा 10 मिनट भितर पेपर सर आउ 50 मिनट आमको रिवाइज करार अच्छे सो केमी हम आम प्रत्येक क्वेश्चन को 5 मिनट रू कम समय दबार अच्छे प्रत्येक क्वेश्चन मैं जो 7 मार्क क्वेश्चन 5 मिनट जो 3 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन आमको 5 मिनट रू कम दबार अच्छे एमती कले ही आम पेपर जल्दी सर और पेपर सरला आमको रिभाइज भी करार अच्छे स्पेलींग मिस्टेक आवोड करार अच्छे कौन भी स्पेलींग मिस्टेक न हो क्वेश्चन टू द पॉइंट आंसर दबार अच्छे मानने जहाँ क्वेश्चन ने पचार आंसर दबार अच्छे बट मार्क को देखिक मैं धर 7 मार्क क्वेश्चन पढ़ी तुमको आंसर आस आंसर का गोटे पेज रे सर जीव दे तुम से किसी 7 रू कहीं 7 कि 5 दबार ना तुमको 3 ही मिल ओके सो टू द पॉइंट आंसर आसले भी जब एग्जाम वेटेज को क्वेश्चन वेटेज को देखिक आमको आंसर दबार अच्छे सो जदि गोटे क्वेश्चन वेटेज आमर 7 मार्क क्वेश्चन दे मिनिमम आमको 2 to 3 पेज जाए नाक हिं अच्छे सेमती गोटे धर एसे टाइप रखी तो आर्टिकल 10 मार्क्स दौर 10 मार्क्स आमको मिनिमम 4 पेज रू 5 पेज लिखा ही पड़ो अजा आई थिंक तुम मैंने भावुव जो 2 पेज तो होत पेज तुमको कम दरकार बट एग्जामिनर से सब एग्जामिनर तुम फिलिंगस को बुझे नहीं कि समस्त बुझे अंडरस्टैंडिंग वेटा ठीक नहीं जार अंडरस्टैंडिंग वे ठीक सी तो तुम से हाँ पिला लिखी आंसर मार्क देद बट समस्त सेमती करेन ओके सो आमको एग्जामिनर को आमको तो से देखिपर ना केवल आम पेपर वे हिं से आमको जानव सो आमको एमती इंप्रेसन कर सो दैट एग्जामिनर भाव जो पेपरटा पूरा करेक्ट अच्छे और से मार्क दबार हिचकिचेबनि देन जेकोसी भी क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करा पाराग्राफ आमको आंसर करार ना पॉइंट व्वज लिखार अच्छे पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 एमती कर लिखले एग्जामिनर इंप्रेसन भल रॉइंट व्वज लिखले एग्जामिनर इंप्रेसन भल रेन इंप्रेसन भल रहित सी कौन कर ना प्रथम गोटे जोड़े पॉइंट लास्ट रू 2-3 पॉइंट ये देखिए तुमको फुल मार्क देदे भितर से जीवन बट जब तुम पाराग्राफ लिख लो प्रति वार्ड बै वार्ड खोज जो भूल थोड़ा सीट मार्क काट सो एतिकला एग्जाम रिलेटेड मुझे कहवाक चाहूँगी एवं चाहूँ स्ट्राटेज पर ध्यान देवा तो बर्तमान आम पाखे 3 मास समय अच्छे 3 मास बहुत बड़ टाइम लगुत बट कि नुह बहुत जल्दी सरीज ओके सो 3 मास तुमने भावुच जो मुझे पढ़ी नहीं बट मैंने गोटे जोड़े चैप्टर पढ़ी कि 10% 20% सिलेबस कवर करी आई मुझे 3 मास कंप्लीट करके रिभाइज करी पी 3 थर रिभाइज करके मार्क रखीदेवी देन पूरा भूल आइडिया लास्ट को गिल्टी फील हो एंड हाँ जो मैंने भावुच जे मुझे प्रिपेयर तो है बट प्रिपेरेसन मोर एत दम ना जो मुझे लास्ट को मार रखी पारे गिल्टी फील कर देन भिडियो क्लिक कर दियो तुमको जब लास्ट को गिल्टी ही फील कर देन व्हाई शुड यू वेस्ट योर टाइम इन दिस भिडियो अदरवाइज यू गो एंड सी वेब सीरीज प्लेइंग फ्री फायर एंड अदरवाइज अदर थिंग्स व्हाट एवर यू वांट टू डू ओके आई एम नॉट रूड बट इट्स फैक्ट तुमको वर्तमान निजर बेस्ट एफर्ट दबार अच्छे जब न दे पार देन बेटर टू लिव इट गिव अप करदे बहुत बेटर जर बेस्ट न दे पार्छ या जो डिप्रेसन अच्छे देन किसी करहबन कि तुमको बाहर को आसार अच्छे बहुत भल कर बट जो एग्जाम सरीज देन जो तुमको 2-3 मंथ्स जो गैप मिले जो तुम पचु देखिए भाव जो पास्ट देखिए भाव जो मुझे यार ये टाइम एमती करते यहाँ एंड तुम्हें जो क्या रियलाइज कर तुमपाई कौन काम आसा तुम फ्यूचर जेनेसन काम आसके सो रियलाइजेशन आमर किसी दरकार ना मुझे जहाँ सब स्ट्राटेजी दौर से देख प्रिपेरेसन कर देख ए गोटे सिंपल बेसिक एग्जांपल दौर फिजिक्स फिजिक्स मुझे खाली बुक तुमको देखा चाहिए खाली देख 3 मास सारी पार हम ना ना मत कह तुम से सब सो आमर फास्ट सरी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं केमिस्ट्री आमर एक 11th क्लास 11th एक ब्यूरो बुक आम सिलेबस ब्यूरो बुक है केमिस्ट्री सो यार विड्थ आम देखीद चौड़ा रोचे सो आमर एतक चौड़ा रोचे बुकटा टोटाल कंटेन्ट पेज के देखीद पढ़ी दूसरी 882 पेज रुकटा एक 11th 12th रट भी बड़ 882 पेज बुकटा रोचे ओके एक रहा ब्यूरो बुक आम सिलेबस देन तुमको भल मार्क एनसीईआरटी भी पढ़ा पड़ो एक एनसीईआरटी 11th इनऑर्गेनिक फिजिकल एक हूँ ऑर्गेनिक पार्ट ये जोड़ाक विथ एति आ पेज भी कहीदे मु यार हूँ 250 एंड ये रोचे 440
ओके 250 एंड 440 एत बुक रोज माने गोटे ओवरऑल 1500 रु अधिका बुक रो पेज ए जोडा ए बुक दुईटी आमे सारिबा तीन मास रे सारिबा देखो जो वीक देखो सारिबा देन तको दिथर रिवाइज करबा दिथर रिवाइज करकि भलो 80 70 80 मार्क रखिबा इज इट पॉसिबल तुम्हें निजे कमेंट बॉक्स में येस और नो रे मैसेज करो ओके हाँ तुम ए गोटा को फिजिक्स केमिस्ट्री सारी पार आर फिजिक्स मैथ बाकी सब कौन कर बायोलॉजी अच्छी सब अच्छी सो तीन थ्री मंथ रे तुमको गोटे कोर्स सारिक रिभाइज करके भल मार्क इट इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल ओके सो भावन भी तुम मैंने करदे पार कर ना मुझे कर ना ओके सो एम कर कौन अच्छी आम तो सिलेबस जो सारिकी रिभाइज कर कौन करवा आम केवल पास्ट 10 इयर्स पेपर कंप्लीट करवा पास्ट 10 इयर्स पेपर आम क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर रु कलेक्ट करके आम दुई रु तीन थर चार थर पांच थर जी एथर कर रिभाइज कर रिभाइज इन द सेन्स प्रथम थर ताको खाली पढ़िया बसिकी जहाँ आंसर दे क्वेश्चन देखिले क्वेश्चन देर ब्लू लाइट एमिशन गोटे पाराग्राफ दे आंसर सीघा बस पढ़वा यदि वेभलेन्थर फर्मुला गोटे क्वेश्चन पचारा न्यूमेरिकल कमी कराए सीटा बस देखिया एमती बस कि आम फास्ट्रु मैंने प्रति सब्जेक्ट आम धर छा सब्जेक्ट साइंस रो आर्ट्स रो कमर्स समस्ते बसिकी दसटा सैंपल पेपर को 10 दिन 5 दिन रु 6 दिन लगे जब तुम कम्प्लीट एफर्ट दे दिनक 2 रु 3 घंटा एथप दब सो कौन करवा दसटा दस 10 इयर्स प्रिवियस 10 इयर्स सैंपल पेपर फास्ट गड़ेगा थे आम पढ़ा सेकेंड टाइम पढ़ा थर्ड टाइम पढ़ा तीन थर पढ़ा पढ़लापर तीन थर पर लिखा थे लिखा दिथर लिखा तीन थर लिखा देन फोर्थ टाइम खाली क्वेश्चन लिखा आंसर निज मन कर भूल हम भूल होगापर सांगे सांगे चेक कर सब सरलापर चेक करते मार्क तुम मिलूँ निजे निजर चेक कर देन फिफ्थ टाइम सिक्स टाइम सेवेन एट नाइन टेन और टेन बेलू मुझे ग्यारंटी दूँ 10 टाइम तुम्हें निजे निज मन सब क्वेश्चन लिख देन 10 इयर्स प्रिवियस पेपर जो मुखस्त हो गला पानी हो गला देन कौन ताकू रिलेटेड ताकू मैंने देखिकी से ही भाया क्वेश्चन गुड़ाक आम सैंपल पेपर रू गढ़ सब करानी जो गुड़ाक प्रिवियस 10 इयर्स आसी से क्वेश्चन गुड़ाक आम करवा जो तुमने डाउट रोचे देन तुम टीचर कि बड़ भाई भर भी हेल्प नि ओके जो गुड़ा मैंने सिमिलारिटी रोचे से गुड़ाक आम करवा प्रिवियस 10 इयर्स सागर सिमिलारिटी रोचे देन तुम्हें जो ईयर पेपर दौ 2021 तुम्हें पेपर दौ मैं 2019 2017 2015 यही तीन टा पेपर तुम्हें मोस्ट इंपोर्टेंट यही तुम क्वेश्चन आसो मैंने प्रति जो वर्ष तुम्हें दब ता प्रीवियस 1 इयर छाड़ी ता पूर्व वर्ष मैंने 2 इयर गैप जो पेपर टा आसा तुम्हें इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट से क्वेश्चन गुड़ा आम प्रिपेयर होगा ओके से क्वेश्चन गुड़ा प्रिपेयर होगा एमती कले ही आम तीन मस तुम्हें जब एवं कनसेप्ट बुझिक रिभाइज करा ट्राए कर टाइम हेनी कनसेप्ट बुझी जाओ रिभाइज करदे देन कनसेप्ट को आस जो गुड़ाक रिविजन बेले तुमको डाउट हो तार कनसेप्ट बुझा ट्राए कर यूट्यूब सब अवेलेबल अच्छे फ्री बेसिकली सब फ्री ओके देन तुम एवं गोटे पर्सनाल कोचिंग कोचिंग जाओ नहीं टाइम लस कर बेसिकली यूट्यूब ए टू जेड सब जिन जहाँ तुम खोज सब फ्री में मिल जाऊँ सो यूट्यूब खोज जहाँ तुम कनसेप्ट डाउट रोचे यूट्यूब रू क्लीयर कर दिनक 5 रु 6 घंटा तो मिनिमम तुमको दबा को ही पड़ो मैक्सिमम 8 आवर्स 8 घंटा अधिक तुम पढ़ी पार ना पढ़ले माइंड डाइवर्ट हम ओके सो तुमको दिनक 5 रु 6 घंटा एथप दबार अच्छी सो दैट तीन मस पर तुमने हैप्पीली फ्रीली एग्जाम को जापर एग्जाम भल स्कोर कर फ्लाइंग कलर सहित लास्ट को आसपार ओके एगुड़ा कहार एंड कनसेप्ट बुझ बाट एबे तुम्हें बेसी कनसेप्ट डीप को जाओनी खाली एग्जाम पढ़ आउ तुम एवं कनसेप्ट बुझा दरकार नहीं पर कर एग्जाम भल मार्क दरकार ओके आदि 3 मंथ तुम्हें मुझे कहली सैंपल पेपर रिभाइज करवा सैंपल आज जो जो टीप्स गुड़ा कहली फास्ट रू एग्जामिनर को इम्प्रेसन इम्प्रेस करवाई से तुम अप्लाई कल दे तुम जी एक्सपेक्टेसन थी 10% सियोर मस्ट गेन हवा हम जो 10 इयर्स प्रिवियस पेपर 40% रिलेटेड क्वेश्चन आसो एंड एथर MCQ हो सो MCQ 50 मार्क्स 40 मार्क इजी आसो 10 मार्क हार्ड आसो से 40 मार्क तुम्हें खाली ए ब्यूरो क्वेश्चन शब्द कम्प्लीट करदे तुम्हें पाइज एति कहार आई होप यू ऑल आर कीप ट्राइंग फॉर योर एग्जामिनेशन सो एग्जाम लगि जाओ देन एग्जाम सरला 4 मंथ्स फ्री मिले ओके
एंड जो मैंने न्यू आम चैनल है चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, जो मैंने ओल्ड से मैंने चैनल को शेयर करो एंड बहुत सारा तुम लव देखाओ। देन जो मैंने एम आई ओडिया वाला से मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट अच्छी जाइए देखी दे पार। जो मैंने पचार जो भाई सैंपल पेपर सर सैंपल पेपर दिखुत डोंट वरी सैंपल पेपर मुझे पीडीएफ्टा नेक्स्ट भिडियो देदेवी एंड इंग्लीश्र भी कंप्लीट भिड मोर चैनल अवेलेबल अच्छी न्यू सिलेबस वाइज ओके सेगुड़ा जाए देख रिपोर्ट राइटिंग एसे समरी ए सब तुमको वन बाय वन भिडियो मिल जाओ गोटे गोटे भिडियो पाराग्राफ राइटिंग 40 मार्क्स कंप्लीट कराई मोर भिडियो गोटे भिडियो 10 मिनट ओके। सो जब तुम्हें मो चैनल चाहिए इंग्लिश एंड एमएल पे कंप्लीट ट्यूटोरियल नहीं जापर फ्री रे फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट अवेलेबल अच्छी सी एच एस किंग चैनल जोटा कि मात्र तुम्हें 24 रु 30 घंटा भितर मैंने गोटे दिन रु देढ़ दिन भितर तुम कंप्लीट 200 मार्क्स कवर हे और तुम्हें मैंने एग्जाम 200 रु 180 प्लस स्कोर पर एक्सपेक्टेशन रखिपर मोर भी रही था ओके तुम्हें भी रोब डोंट वरी जहाँ भी डाउट कमेंट बॉक्स में मतलब बिलो कमेंट करो मुझे इंस्टेंट रिप्लाई देव ट्राए करी। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट देन शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड नेक्स्ट टॉपिक वीडियो कहाँ पर दरकार से मतलब जनाओ 3 मंथ्स टाइम बहुत कम बहुत जल्दी सर जना भी पड़े नहीं सो कीप ट्राइंग ओके आई होप बेस्ट ऑफ लक एंड डियर स्टूडेंट्स थैंक्स जय हिंद जय भारत।